ट्रेडर्स हरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स हरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे है, सिंगापुर निफ्टी किस तरह के संदेश कहीं ना कहीं आपको आज तो काया पलट है। कल सी बात है कि कल जिस तरह की गिरावट देखने मिली थी उतनी तेजी आज देखने मिली है। सिंगापुर निफ्टी में करीब करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी है। 17,100 के आसपास का जो लेवल है वो सिंगापुर निफ्टी ने कुछ देर पहले छुआ था। हालांकि देखना होगा कि हमारे मार्केट जब खुलते हैं तो कितना सहारा वहां से मिलता है। अमेरिका रिवर्स हो गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कौन सा डर था जिसकी वजह से गिरे और कौन सा डर खत्म हुआ जिसकी वजह से चले। हालांकि एलोन मस्क ने कल जो ऐलान किया ट्विटर को खरीदेंगे, शायद उसकी वजह से आईटी इंडेक्स मुझे तो यही लग रहा है कि ट्विटर की डील रिजॉइस करता हुआ नजर आ रहा है डाउ जोन्स। चलिए जो भी है, लेकिन हाँ संकेत अच्छे हैं। इसके चलते ट्विटर के स्टॉक में कल तो 5% के आसपास के गेंस भी देखने मिले थे और उसी का सहारा जो है नैसडैक में भी देखने मिला और अच्छे खासे गेंस जो है आपको कल नैसडैक में भी देखने मिले। तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो संकेत अच्छे, सिर्फ एक संकेत खराब है और वो है चाइना में। जिस तरह से लॉकडाउन लग रहे हैं, जिस तरह से वहाँ रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं ना, पता नहीं मतलब कौन सी ऐसी खबर आ जाए चाइना से जो कि दुनिया को हिला दे और उसके बाद मार्केट गिर जाए। तो वो एक जगह है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नजर रखनी है, एक न्यूज़ है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो एशिया के मार्केट्स उतने गिरे नहीं है। तो कल के सेल ऑफ के बाद एक छोटा मोटा बाउंस बैक तो है, लेकिन हाँ चाइना की खबर पर नजर रखिएगा। वहाँ से अगर कोई भी गड़बड़ खबर आती है तो ये आपके लिए काफ़ी यहाँ पे ख़राब हो सकती है और उसके बाद स्टॉक्स की पिटाई हो सकती है। लेकिन कुशल इसके साथ साथ एक और चीज़ है, कमोडिटीज़। एल्यूमिनियम देखिए 3 महीने के निचले स्तर पर, कच्चा तेल लुढ़का, उसके बाद फिर से संभल गया। शुगर अगर आप देखेंगे तो 5 वीक के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं कमोडिटीज जो है उनकी पिटाई हो रही है। अब इसका कितना गहरा इम्पैक्ट मार्केट्स में देखने मिलेगा और क्यों ये पिटाई हो रही है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको 20 स्टॉक्स बता देते हैं जो हमने अपने टीम में चुने। अच्छा कुशल आज कुछ बेचेंगे क्या? बिल्कुल बेचूंगा। मैं कल जो है इंटायरली मेटल पर शॉर्ट दिया था और 5 जो मेटल के कॉल्स हमने दिए थे आपको वहां पर सभी के टारगेट्स अचीव होते हुए। और ऐसा नहीं है कि ओपनिंग में ही आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, आपको क्लियर कट लेवल्स मिले थे एंट्री करने के और उसके बाद भी 3-4% तक की गिरावट जो है हमें मेटल काउंटर्स में डेफिनेटली। तो मेटल्स हो, FMCG हो, तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पे आपको कल बिकवाली की सलाह दी गई थी और देखिए वहां पे आपने की है जम के कमाई। इनफैक्ट बैंक्स में खरीदारी की सलाह दी गई थी और बैंकिंग इंडेक्स देखिए कल काफी बेहतर। ICICI बैंक मजबूती के साथ बना रहा, मजबूती के साथ बना, नतीजे इतने अच्छे थे। करेक्ट। तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे ही दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जो है आज भी हमारे पास है। कैश के काउंटर के साथ शुरुआत करता हूं मैं और जो कैश का काउंटर मुझे पसंद है वो है GMDC का। जाहिर सी बात है इस कंपनी के नतीजे आए हैं उसके बेसिस पर मैंने इस काउंटर को चुना है। खरीदारी करके चलेगा आप यहाँ पे क्योंकि नतीजे कंपनी के अच्छे हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज 86-87% बढ़े हैं, मार्जिन देखिए 33 करोड़ से बढ़ के सीधे 420 करोड़ एबिटा जो है और मार्जिन जो है 5.7% से बढ़ के करीब करीब 40% के आसपास आए हैं। घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, 185 करोड़ के घाटे के मुकाबले 177 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 396 करोड़ का एक इम्पेयरमेंट लॉस था, उसको हटा दे तो पिछले साल भी प्रॉफिट में थी। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के मार्जिन्स बढ़े हैं और ऐसी काफ़ी कम कंपनीज आपको इस क्वार्टर में मिलेगी जहाँ पे मार्जिन बढ़े होंगे। और खासकर हम आपसे लगातार यही कह रहे हैं कि जिसके पास रॉ मटेरियल है उस पर आप ध्यान दीजिएगा और GMDC भी उसी लीग का एक काउंटर है। साथ ही साथ 4.30 रुपये का डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। तो हर पैरामीटर पे आज तेजी होने के सारे तर्क है इस काउंटर में, जिसके लिए खरीदारी कीजिएगा 212 के लक्ष्य के लिए 200 रुपये का स्टॉप लॉस रखना। बिल्कुल, तो जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं GMDC पर फोकस रखना है और इसी सेगमेंट में मैंने आने वाले नंबर्स पर टाटा कॉफी ये स्टॉक चुना है। आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे भी हमने आपको बताया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी मार्जिन 1% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और अगर आप YOY देखेंगे तो 3.5% की ग्रोथ हम मार्जिन पर एक्सपेक्टेड है। 19.5% के मार्जिन टाटा कॉफी आज दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट एबिटा लेवल पर तो ऑलमोस्ट 45% का उछाल जो है हम उम्मीद करके चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है उसको ध्यान में रखकर टाटा कॉफी ये पहला स्टॉक होगा मेरी तरफ से जहां पर आपको खरीदारी करने की राय। 218 रुपये की प्राइसिंग है, 6-7 रुपये की तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। दिन के दौरान 3-4% की गेंस के लिए यहां पर खरीदारी करके चलिए और 215 रुपए लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी बनाकर चलना है। तो रिस्क रिवॉर्ड 2:1 के हिसाब से मैंने आज के लिए सेट किया है। तो टाटा कॉफी पर नजर रखिए, कैश सेगमेंट से ये स्टॉक है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की और डेरिवेटिव स्पेस में पहला कॉल है मेरा खरीदारी का और यहां पर ICICI बैंक
कल वरुण ने जो स्टॉक दिया था मैं उसी को आज आगे बढ़ाना चाहता हूं। और आप देखिए ऑलमोस्ट जिस तरह की बाजार में कल गिरावट रही थी, स्ट्रेंथ काफी बनी हुई थी, 1 से 1.5% की तेजी जो है इस स्टॉक ने दिखाई थी, पर जिस तरह के नंबर्स आए थे वो हो सकता है कि आज अच्छे बाजार के मूड माहौल में एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आए। और इसी वजह से ICICI बैंक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस आज आपको आता हुआ दिख सकता है। तो ICICI बैंक पर नजर रखिए, 775 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 747 रुपए छोटा स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर भी लगाकर चलना है। चलिए तो ICICI बैंक है कुशल की पसंद। मैं एक्चुअली बिकवाली कर रहा हूँ फ्यूचर में और यहाँ पे बलरामपुर चीनी, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। देखिए वैसे तो चीनी का जो ओवरऑल साइकिल है, इन स्टॉक्स का जो ओवरऑल साइकिल है वो काफ़ी बड़ा है, और उसमें आपको अगर देखेंगे तो इथेनॉल की स्टोरी जो है वो आजकल चीनी से ज़्यादा बड़ी लगती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपने देखा कि चीनी के स्टॉक्स में तेज़ी हुई, लेकिन रॉ शुगर अगर आप देखेंगे तो 5 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुँच चुका है। उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आपको सेंटिमेंटल इनकाउंटर्स पर देखने मिलेगा, नो डाउट। फिलहाल करीब 460 के आसपास चल रहा है, तो आज की तेज़ी में हो सकता है। देखिए शुगर स्टॉक्स वैसे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाई बीटा स्टॉक्स है, और इनमें अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े मूव्स देखने मिलते हैं। तो आज मार्केट का मूड माहौल ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी तेज़ी के साथ खुले। अगर ऊपर खुलता है तो आपको यहाँ बिकवाली करना है, यानी कि सेल ऑन राइज जो है वो आपको बलरामपुर चीनी में करना है। इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा हाई दिया है, 470 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया है, और 450 के आसपास के लक्ष्य के लिए आज आपको बिकवाली करके चलना है, क्योंकि 450 जो है वो एक काफ़ी साइकोलॉजिकल लेवल है। तो सेल ऑन राइज शुगर स्टॉक्स, उसमें बलरामपुर चीनी के फ्यूचर में आपको करनी है बिकवाली। अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस में आज आईटी काउंटर्स जो है उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी हो सकती है। ओवरनाइट अगर आप इन काउंटर्स का एडिया जीडिया देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गेंस से, खासकर विप्रो में अगर आप देखेंगे करीब 1.5-2% के आसपास के गेंस देखने मिले हैं। और कल विप्रो के काउंटर में गिरावट थी, कल हमने आपको बिकवाली की सलाह भी दी थी, लेकिन आज यहाँ 530 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद सकते हैं। 10 रुपये के लक्ष्य के लिए 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, एक प्योर ट्रेडिंग कॉल है, क्योंकि ओवरनाइट जो आईटी काउंटर्स है, जो नैसडैक है, उसमें तेज़ी देखने मिली है, उसका इम्पैक्ट आज आपको आईटी काउंटर्स में देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो विप्रो इस वीक इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस वजह से भी ये फोकस में रहेगा। और साथ ही आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी अब सेंचुरी मारता हुआ दिख रहा है, 107 108 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर अब एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली इस पर नजर रखिए। और ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है मारुति सुजुकी का। इनफैक्ट कल पूरा का पूरा ऑटो स्पेस अगर आप देखेंगे तो बाजार की गिरावट में यहाँ पर ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है, और कहीं ना कहीं जो हमारे सेक्टोरल बेट्स है उसमें भी जो कॉन्ट्रा कॉल्स था हमारा ऑटो को लेकर यहां पर था, तो डेफिनेटली आपको यहां पर मारुति सुजुकी पर नजर रखनी चाहिए। कल के सत्र में भी अच्छी तेजी यहां पर ये बनाता हुआ नजर आया था, 7900 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है, काफी अच्छी बुलिशनेस लग रही है चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी, तो इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 114 रुपए की प्राइसिंग के लिए का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है, 240 रुपए आपका टारगेट होगा आज के लिए, और 80 रुपए निचले स्तरों पर आपको यहां पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो चलिए हमने आपको पहली 3 कैटेगरीज तो आपको बता दी है, अगली कैटेगरी हमारी टेक्निकल कैटेगरी है, कुशल से जानते हैं टेक्निकली उनको क्या पसंद है। बिल्कुल वरुण, तो चार्ट्स के आधार पर टेक्निकल चार्ट्स जिस तरह से नजर आ रहे हैं, मुझे बैंकिंग डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट लग रहा है। और कल जिस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का आप चार्ट स्ट्रक्चर अगर खोल के देखेंगे तो यहां पर भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई थी, हालांकि बहुत ज्यादा तेजी ऑब्वियसली मार्केट का जिस तरह का डाउनवर्ड प्रेशर था उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, पर ऑलमोस्ट 0.3-0.4% की तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग होती हुई, और पूरे दिन के दौरान ये लेवल्स मेंटेन थे। तो मुझे लग रहा है कि आज शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स में साथ साथ ICICI बैंक के हिसाब से आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य बैंकिंग काउंटर्स और NBFC स्पेस भी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक खरीद कर चलिए, 1780 रुपए के टारगेट के लिए 1715 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण आपने क्या लिया यहाँ पर? मैंने एक पेपर स्टॉक लिया और जेके पेपर, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए कल के गिरते बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो जेके पेपर के स्टॉक में करीब 1.5% के आसपास की तेजी देखने मिली है। चार्ट अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाईस के आसपास जेके पेपर जो है वो ट्रेड कर रहा है, और जैसे कहते हैं ना कि ब्लू स्काई जोन, फिर ये अनचार्टेड टेरिटरी, उस टाइप का चार्ट पैटर्न जो है इस काउंटर में देखने मिल रहा है। यहाँ से कितनी बड़ी तेजी आएगी ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कल जो सेंचुरी टेक्सटाइल के नंबर्स आए उसमें पेपर में आप देखिए किस तरह के नंबर्स उस कंपनी के पेपर डिवीजन ने कहीं ना कहीं डिलीवर किए हैं। साल दर साल क्वार्टर दोनों उसमें तेजी देखने मिली, तो ये फर्स्ट इंडिकेटर है कि पेपर कंपनियों के नतीजे इस बार काफ़ी बेहतरीन आने वाले हैं। इसके लिए पेपर स्टॉक्स पे आप नजर रखेगा, पूरा पेपर स्पेस जो है उस पे आप नजर रखेगा। कल जो सेंचुरी टेक्सटाइल के नंबर्स आए हैं वो निकाल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि पेपर कंपनियों के नतीजे कैसे आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, टेक्निकली अच्छा लगता है। 373 के लक्ष्य के लिए 352 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली एक स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर, इसमें आपको खरीदारी करना है क्योंकि कैंपस का जो IPO खुला है उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनसे। मेरे ख्याल से
इसके चलते पूरा का पूरा फुटवेयर स्पेस जो है वो फोकस में रहेगा। अगर आप डायरेक्ट इस कंपनी का पियर ढूंढे कैंपस का, तो रिलैक्सो और लिबर्टी ये दो काउंटर्स है जो कि सीधे सीधे इस कंपनी के पियर्स है। दोनों काउंटर्स में जो आपको अच्छा लगे वो खरीदना, लेकिन रिलैक्सो फंडामेंटल काफ़ी साउंड काउंटर लगता है, इसके लिए मैं यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 1150 के लक्ष्य के लिए 1080 का एक स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल वरुण, और इसकी एंकर बुक भी अच्छी भरती हुई नजर, बहुत अच्छी भरी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि काफ़ी बेहतरीन जो एंकर बुक में नाम निकल के आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और जिस तरह का इंटरेस्ट देखने मिला इस काउंटर के लिए, कैंपस के लिए, वो काफ़ी लाजवाब है। और वैसे भी देखिए, अब तो लोग बाहर जाना शुरू कर रहे हैं तो बिना जूतों के चप्पल के तो जाओगे नहीं भाई। और खासकर जो स्पोर्ट्स सेगमेंट है ना इनका, वहाँ पर कल ये कह रहे थे मैनेजमेंट की काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आगे के लिए एक्सपेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि हर सेगमेंट में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है, इसके लिए पूरा स्पेस जो है वहाँ पे फोकस रखेगा मेरे तरफ से रिलैक्सो। बिल्कुल, तो फंडा पिक के हिसाब से रिलैक्सो फुटवेयर पर नजर रखिए, और मेरा यहाँ पर सेल कॉल है। और लगातार यहाँ पर जितने भी एल्यूमिनियम काउंटर्स हैं, यहाँ पर मैं बिकवाली की राय दे रहा हूँ। जिस तरह से अल्कोआ में आपको रिएक्शंस देखने को मिल रहा है, और कल के सत्र में आप देखिए, हम शो की शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि एल्यूमिनियम, MCX एल्यूमिनियम, वहाँ पर भी 4-5% तक की गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये काउंटर जो है अब डाउनवर्ड ट्रेंड पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चाइना की भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, कोविड की केसेस, अब कंज्यूमर जो इतना बड़ा है वहाँ पर इस तरह की अगर प्रॉब्लम वापस से आती हुई नजर आएगी, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी की डिमांड पर आपको क्लियर कट इंपैक्ट भी आता हुआ नजर आएगा। तो हिंडाल्को यहां पर आपको बिकवाली करके चलनी है। 482 का टारगेट आपको लोअर साइड पर लगाना है, 508 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो फंडा पिक में हिंडाल्को यहां पर बिकवाली करके चलिए। साथ ही चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है IPL स्टॉक। आज के लिए मेरा IPL स्टॉक है अगेन एक बैंकिंग काउंटर, और आप आखिरी आधे पौने घंटे में आप देखेंगे ना तो एक शार्प स्पाइक के साथ यहां पर फेडरल बैंक में क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग में छोटे बैंकिंग काउंटर्स में फेडरल बैंक इस मूव को लीड करता हुआ नजर आ सकता है आज के बाजार की तेजी में। तो फेडरल बैंक का आपको खरीदारी करके चलनी है, अच्छा शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट ये भी बन सकता है। 98 रुपीज का टारगेट इसमें बनाना है, और 92 रुपीज आपको स्टॉप लॉस बनाकर भी चलना है। ओके, मेरा IPL स्टॉक है इंडियन होटल्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, वैसे भी एक दो दिन में इस कंपनी के नतीजे आने वाले, एक टर्न अराउंड नतीजे जो है वो आपको इंडियन होटल्स की तरफ से देखने मिलेंगे। जिन लेवल्स पे काउंटर उपलब्ध है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, करीब 335 के आसपास उपलब्ध है। अगर आप देखेंगे 52 हाई जो है 260 के आसपास का था। वैसे भी अब जो टूरिज्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बूस्ट मिल रहा है, जिस तरह से बुकिंग्स हो रही है वो लाजवाब है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको आने वाले एक दो क्वार्टर्स में लगातार देखने मिलेगा। नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हो सकता है कि काफ़ी बड़े अपग्रेड्स जो है इस काउंटर के लिए आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके पहले खरीद के चलिएगा, 290 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 4-6 महीने का वक्त आपको इस काउंटर को देना होगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर एक स्टॉक मुझे पसंद है, वो है वरुण बेवरेजेस, क्योंकि इस कंपनी के 28 अप्रैल को नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर इशू करने पे ये कंपनी विचार करने वाली है, इसके चलते आपको खरीदारी करना है। देखिए, वैसे भी ये काउंटर जो है हमारी टीम में लगातार रहा है, कल कुशल के टीम में था, पिछले हफ्ते अगर आप देखते तो आशीष के टीम में था, उसके पहले मेरे टीम में था, और लगातार हमने आपको इसमें 1200-1300-1500 के आसपास के लेवल के टारगेट दिए हैं। वो टारगेट जो है आने वाले दिनों में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। आज के लिए इंट्राडे के लिए टारगेट है 1150 का, 1075 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। मुझे याद है कुशल, कल आपका 1200 का टारगेट था इसमें, 1250 का कुशल का टारगेट था, उसके पहले आशीष का टारगेट था। मैंने भी आपको लगातार इस काउंटर में खरीदारी की सलाह दी है 1200-1300 के आसपास के लक्ष्य के लिए। तो अच्छा काउंटर है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसके पहले काउंटर थोड़ा चल चुका है, तो हो सकता है कि आपको ऊपर के बाद चलने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी देखने मिले। इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, लेकिन हाँ, इनिशियल तेज़ी आ सकती है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली वरुण बेवरेजेस जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है उसके एस्पेक्ट पे तो आपको डेफिनेटली खरीद कर चलना है। और फंडामेंटली मैंने आपको कल रीज़न भी बताए थे कि इसकी अप्रैल से जून वाली जो अर्निंग्स आएगी उसको ध्यान में रखकर भी आप इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 2-3 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आपको होल्ड कर चलना चाहिए। तो वरुण बेवरेजेस यहाँ पर फोकस रखिए, अच्छी तेज़ी आज यहाँ पर बन सकती है। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है आरती इंडस्ट्रीज़ का। कल के सत्र में तो बाजार की गिरावट में इसने भी हेविली पार्टिसिपेट किया था, 3-4% की गिरावट थी, पर अभी जो खबर इसके लिए आती हुई दिख रही है वो हो सकता है कि आज बाजार की तेजी में अच्छी मोमेंटम ये बनाते हुए नजर आए, जिसमें LIC ने 22 अप्रैल को ओपन मार्केट से लगभग 2.25 लाख शेयरों की यहां पर खरीदारी की है, और अब इनकी हिस्सेदारी 5% से ऊपर हो गई है। तो आरती इंडस्ट्रीज, LIC जिस तरह की खरीदारी कर रहे हैं इसमें, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। तो खबरों के दम पर इसको फोकस में रखिए, 913 रुपए के टारगेट के लिए 875 आपको स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन करना है। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने आपको स्टॉक्स तो सजेस्ट कर दिए हैं, पर अभी भी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की बाकी है। सबसे पहले तो
टेक्निकल कॉल है, बेसिकली HDFC बैंक यहाँ पर आपको खरीदारी करना है। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि लगातार निश्चित तौर से रिकवरी काउंटर में देखने मिल रही है, ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं होगी, धीरे धीरे 1-2% करके चलता जाएगा। 1390 के लेवल के लिए आज खरीदारी कीजिएगा, 1350 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है चेन्नई पेट्रो, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है अगले 1-2 दिन में। मेरे ख्याल से कल ही शायद इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, और आपको याद होगा इस बार जो GRMs है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है तेल कंपनियों में, तो इसके चलते कहीं ना कहीं तेज़ी हो सकती है इस काउंटर में। 241 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 227 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी है गुजरात अल्कलीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है, क्योंकि चाइना में जिस तरह की दिक्कतें हैं, माना जा रहा है कि केमिकल्स में अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। वैसे भी आपने देखा पिछले कुछ समय में सोडा ऐश की कीमतें जो है उसमें अच्छे खासे गेंस देखने मिले थे, उसके चलते इस काउंटर में तेज़ी भी हुई थी, लेकिन मार्केट का मूड माहौल बिगड़ गया तो स्टॉक में गिरावट हुई। मेरे ख्याल से फिर से आपको फॉलोअप रैली इस काउंटर में देखने मिलेगी, 960 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 910 का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो गुजरात अल्कलीज पर फोकस रखिए, और माई चॉइस कैटेगरी में पहला मेरा बिकवाली का कॉल है। तो हिंडाल्को के साथ साथ मेटल काउंटर में GSW स्टील, यहां पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। कल के सत्र में बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिखा था, 1-1.5% तक की गिरावट थी, और कल मैंने आपको बताया था कि स्टील शेयरों पर और आगे चलकर दबाव क्यों बढ़ सकता है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि JSW स्टील पर भी आज अगेन फिर से दबाव रह सकता है। ओवरऑल मेटल काउंटर्स मुझे कमजोर लग रहे हैं, तो JSW स्टील बेचकर चलना है 693 के टारगेट के लिए, 722 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है बजाज फाइनेंस पर, जहां पर खरीदारी की राय है। आप देखिए NBFC स्पेस भी मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्पेस के साथ साथ अच्छी तेजी दिखा सकता है, और दिग्गज NBFC बजाज फाइनेंस पर फोकस रखना है। 7250 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 6980 आपको स्टॉप लॉस यहां पर भी बनाकर चलना है। और आखिरी कॉल है ऑटो काउंटर्स, तो मारुति तो मैंने दे दिया 4-व्हीलर से, पर 2-व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, इसका भी चार्ज स्ट्रक्चर बेहद अच्छा लग रहा है, और आगे चलकर यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी इतनी सारी पिटाई हो चुकी है, तो बाजार का अगर रुझान तेजी की तरफ बनता है थोड़ा भी, तो कहीं ना कहीं बाजार के जो दिग्गज है ऑटो स्पेस से वो लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। तो माई हीरो मोटोकॉर्प माई चॉइस कैटेगरी में आखिरी कॉल है, खरीद कर चलना है, 2350 के टारगेट के लिए 2250 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार देख लेते कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है GMDC, नतीजा है बेहतरीन है, उसके चलते खरीदारी करना है। फ्यूचर में बलरामपुर चीनी में आपको करनी है बिकवाली। ऑप्शंस में विप्रो का 530 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 10 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली JK पेपर अच्छा लगता है, बेहतरीन रैली इस काउंटर में हो सकती है, 373 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली रिलैक्सो फुटवेयर अच्छा लगता है। IPL स्टॉक है इंडियन होटल्स, अगले 4-6 महीनों में 290 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। खबरें वरुण बेवरेजेस में है, यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। माई चॉइस में HDFC बैंक, चेन्नई पेट्रो और गुजरात अल्कलीज में करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है वरुण बेवरेजेस, क्योंकि 28 अप्रैल को नतीजों के साथ साथ कंपनी जो है बोनस शेयर पे विचार करने वाली है, इस खबर के चलते आज स्टॉक में तेजी हो सकती है। 1150 के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी, 1075 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। चलिए, कैश स्पेस से टाटा कॉफी पर नजर रखिए, यहाँ पर खरीदारी का रुझान बनाकर चल सकते हैं। आज इसके नंबर्स आने वाले हैं और अच्छे नंबर्स की हम एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। साथ ही शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स बैंकिंग स्पेस और NBFC स्पेस बन सकते हैं, उसमें पहला ICICI बैंक अच्छी मजबूती कल भी दिखाता हुआ नजर आया था, आज और अच्छी तेजी बन सकती है बाजार की तेजी में। तो मारुति सुजुकी यहाँ पर भी फोकस रखिए, इसका ऑप्शन खरीद कर चलना है। और कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। फंडामेंटली अगेन मेटल काउंटर्स मुझे आज वीक लग रहे हैं, इनफैक्ट हिंडाल्को यहाँ पर बिकवाली और भी जारी रह सकती है, तो बेच कर चलिए। IPL स्टॉक फेडरल बैंक अच्छी तेजी बन सकती है, खबरों के दम पर आरती इंडस्ट्रीज फोकस में। और माई चॉइस कैटेगरी में JSW स्टील बेचना है, पर बजाज फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प में आपको खरीदारी करनी है। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो अगेन ICICI बैंक है, कल अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आया था, पर रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन जो है आज के सत्र में आता हुआ दिख सकता है, तो 775 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करके चलिए। ओके, तो चलिए यहां पे ICICI बैंक जो है उसमें आपको भरपूर तेजी देखने मिल सकती है, और लगातार वैसे भी बैंकिंग काउंटर जो है वो फोकस में है। लेकिन चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन मार्केट में आज एक रिबाउंड देखने मिल रहा है। कल की गिरावट के बाद फाइनली ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासा रिबाउंड जो है मार्केट्स में देखने मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सिंगापुर निफ्टी जो है वो भी यही दर्शा रहा है। तो इस रैली के या फिर इस बाउंस बैक के क्या मायने हैं, इंडियन मार्केट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, डेटा क्या कह रहा है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग कुशल। और 24 घंटे में देखिए किस तरह से बाजार का मूड माहौल पूरी तरह से बदलते हुए दिख रहा है, तो लग रहा है कि अच्छी शुरुआत के लिए बाजार तैयार है। उसके बाद किस तरह की रहेगी चाल, आइए करते हैं उस पर फोकस। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।